उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल जिसकी सुंदरता की मिसालें दी जाती हैं, अब खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। पहाड़ियों से घिरे इस खूबसूरत शहर को लगातार हो रहे भूस्खलनों ने हिलाकर रख दिया है। शहर के अंदर की चोटियों से लेकर झील से लगी ठंडी सड़क तक हर जगह भूस्खलन की घटनाओं ने न केवल नैनीताल के भविष्य पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि यहां के निवासियों की सुरक्षा पर भी संकट खड़ा कर दिया है। नैनीताल की तीन तरफ से घिरी पहाड़ियां और उनकी नींव कहे जाने वाले बलियानाला की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। बलियानाला दरक रहा है और इसके साथ ही नैनीताल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। बावजूद इसके प्रशासन की नजरें अनदेखी कर रही हैं और भविष्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर भारी निर्माण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। सवाल ये है कि जब शहर की नींव ही कमजोर हो चुकी है तो ऐसे में ये भारी निर्माण कैसे संभव है। प्रसिद्ध इतिहासकार और पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत बताते हैं कि नैनीताल की संवेदनशीलता को अंग्रेजों ने भांप लिया था। यही वजह थी कि उन्होंने नैनीताल को तीन जोनों में बांटा, सेफ जोन, अनसेफ जोन और डेंजर जोन। आजादी के बाद भी यह शहर सुरक्षित था लेकिन 1972 से बलियानाला में हो रहे भूस्खलन ने नैनीताल की नींव को कमजोर कर दिया। कई सर्वे में यह साबित हो चुका है कि नैनीताल की भारवाहक क्षमता अब समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद शहर में अवैध निर्माण का दौर जारी है जिसने नगर के ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया है। देखो, नैनीताल जो है वो अत्यधिक संवेदनशील इलाका है और अंग्रेज लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए उन्होंने नैनीताल को तीन जोन्स में बांटा था। सेफ जोन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है जो बिल्कुल सुरक्षित है। फिर उन्होंने किया था अनसेफ जोन, अनसेफ जोन जहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता है। और तीसरा जोन जो था वो था डेंजरस जोन। डेंजरस जोन का मतलब ये था कि आप अपने रिस्क पे वहाँ पर निर्माण कर सकते हैं लेकिन अगर कोई भी नुकसान होगा तो आपको किसी भी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा और आप अपने रिस्क पे काम कर रहे हैं। तो लोग जो था वो सेफ जोन जो था अंग्रेजों के समय में और आज़ादी के बाद भी, जब तक आप ये कह सकते हैं कि नगर पालिका में अच्छे चेयरमैन जैसे जसौत सिंह बिष्ट जी, राय बहादुर मनोहर लाल शाह जी जैसे चेयरमैन रहे, तो नैनीताल था बड़ा सुरक्षित रहा और यहाँ पर कोई गैर निर्माण जो है या गैर कानूनी निर्माण या अतिक्रमण जो है सरकारी भूमि में ये कुछ नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे वो स्तर जो था वो स्तर गिरने लगा, जैसे हर क्षेत्र में हो रहा है वैसे नगर पालिका में भी हुआ। और नगर पालिका के बाद जब यहाँ आपके लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी आया तो लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी शुरू में बहुत अच्छा काम किया लेकिन बाद में लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी वो भी कंट्रोवर्शियल हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि निर्माण जो है वो डेंजरस जोन में भी होने लगा और अनसेफ जोन में भी होने लगा और इसके साथ ही साथ निर्माण जो है वो आपके वेटलैंड्स में भी होने लगा। जो वेटलैंड्स हैं नैनीताल के, वेटलैंड्स में भी निर्माण होने लगा जो कि बिल्कुल प्रतिबंधित था। और अब क्या है कि सरकार ने 2006 में ही चीज जाना चाहिए क्योंकि 2006 में जो हमारा ATI है, जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है IAS और PCS ऑफिसर्स के लिए, उन लोगों ने एक राष्ट्रीय कार्यशाला की थी, राष्ट्रीय सेमिनार की थी और उस सेमिनार में ये कहा गया था कि नैनीताल की भार वाहन क्षमता जो है वो समाप्त हो चुकी है, द कैरिंग कैपेसिटी इज ओवर एंड नो फर्दर कंस्ट्रक्शंस शुड बी परमिटेड इन नैनीताल। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, निर्माण अभी भी चल रहा है और दुख की बात यह है कि अवैध निर्माण जो है वो ज़्यादा चल रहा है। इसके साथ ही साथ जो नाले हैं, जो हमारे धारे थे, उन धारों और नालों के ऊपर भी निर्माण होने लगा है और ये वो नाले हैं जिनको नैनीताल की लाइफ लाइन माना जाता है और ये नालों से ही नैनीताल जो था अभी तक बचा हुआ था। लेकिन अब नैनीताल असुरक्षित होने लगा है। आपके बलिया नाला की स्थिति आप जानते हैं, बलिया घाटी की स्थिति आप जानते हैं, बिल्कुल ही जर्जर हो चुका है, कभी भी वो क्षेत्र जा सकता है। और इसी तरह से स्थिति आपके डोरथी सीट में भी होगी। डोरथी सीट में तो अभी बहुत ज़बरदस्त भूस्खलन आया और अब लोगों का मानना है कि वो क्षेत्र जो है वो कभी भी सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी नैनीताल के इस संकट को समझा और प्रोफेसर रावत द्वारा दायर रिट याचिका 694/1993 में 1995 में सुनवाई करते हुए माना था कि बलियानाला धंस रहा है। कोर्ट ने इसके ट्रीटमेंट को युद्धस्तर पर करने का आदेश दिया था, लेकिन वर्षों बाद भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। प्रशासन द्वारा बलियानाला के बगल में हनुमानगढ़ी से रानीबाग तक रोपवे चलाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जिस जगह पर यह निर्माण होना है वह बेहद संवेदनशील है। हाई कोर्ट ने भी इस क्षेत्र में निर्माण पर रोक लगाई थी। इसके अलावा रूसी बाईपास से गुजरने वाला निहाल वाटर शेड भी भूस्खलन की दृष्टि से बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। शहर में बढ़ते वाहनों का दबाव, पार्किंग निर्माण और झील के कैचमेंट इलाकों में अंधाधुंध निर्माण ने नैनीताल को खतरे में डाल दिया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि बलिया नाला, जिस पर पूरा नैनीताल का अस्तित्व है, बलिया नाला डूब रहा है, धंस रहा है, लेकिन ठीक बलिया नाले के बगल में एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है जो कि बिल्कुल अवैध है। क्योंकि बलिया नाले के बगल में जिस क्षेत्र पर यह रोपवे बनाया जा रहा है उसे कहते हैं हनुमान वाटिका, और इस हनुमान वाटिका के लिए हाईकोर्ट का निर्णय है कि यहाँ पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक हेलीपैड बनाया जा रहा था और उस हेलीपैड के बारे में उन्होंने कहा था कि इसका निर्माण नहीं किया जा सकता हेलीपैड का, और किसी तरह का अन्य निर्माण भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के भी 4 ऐसे डिसीजन हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी पब्लिक पार्क जो है उसका लैंड यूज पैटर्न नहीं हो सकता है, और हनुमान वाटिका जो है ये पब्लिक पार्क है और बहुत ही संवेदनशील इलाका है, धंस रहा है और बलिया नाले से जुड़ा हुआ है। अभी लोगों का ध्यान निहाल वाटरशेड में नहीं गया है, बलिया नाला तो एक तरफ हो गया, एक वाटरशेड है, उसके बाद हनुमानगढ़ का वाटिका आती है और उसके बाद जो है आपके आता है निहाल वाटरशेड। निहाल नदी जो है वो गवर्नमेंट हाउस के नीचे से उसका उद्गम स्थल है, वो क्षेत्र भी धंस रहा है और उस क्षेत्र में भी आप देखें बहुत जबरदस्त भूस्खलन आने लगे हैं। अभी STP जो बन रहा था, जिसका निर्माण हो रहा था, वो पूरा STP बनने के बाद वो बह चुका है। तो नैनीताल का अस्तित्व खतरे में तो है ही। डोरोथी सीट, चार्ल्टन लॉज और ठंडी सड़क पर हुए हालिया भूस्खलन नैनीताल के लिए चेतावनी की घंटी है। यह साफ संकेत है कि अगर समय रहते इन खतरों को नहीं समझा गया तो नैनीताल को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इसको बचाना चाहते हैं तो एक तो हमें टूरिज्म जो है वो नियंत्रित करना होगा। जो पार्किंग का लोग हल्ला कर रहे हैं और अंधाधुंध पार्किंग बना रहे हैं और ट्रैफिक पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि पार्किंग की अब आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा आवश्यकता है कि जब टूरिस्ट ज़्यादा है तो उन्हें हल्द्वानी में ही रोक दिया जाए, जैसे पहले होता था। रानीखेत वाले कह देते थे कि नो मोर टूरिस्ट अलाउड नाउ बिकॉज ऑल द होटल्स आर फुल, लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं कभी होटल फुल नहीं होते। और इस बार तो ये भी हुआ कि जिन लोगों के 2 कमरे के मकान हैं उन्होंने एक कमरे में अपना पूरा सामान रख दिया और खुद रहने लगे, और दूसरा कमरा जो था उसमें वहाँ पर उन्होंने उसको होटल में परिवर्तित कर दिया 2-2.5 महीने के लिए। तो लोगों को लालच बहुत हो रहा है, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लालच जो है ये क्षणिक है और नैनीताल का भविष्य जो है उसको वो खतरे में डाल रहे हैं। लोकल 18 के लिए नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।